Hey guys, welcome back to my channel. My name is Anushka and I hope you people are doing well. I hope you people are safe at your homes. So guys, आज का जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है. मेरी एक सब्सक्राइबर है नव्या, जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं इन मेकअप ब्रशेज की हेल्प से एक मेकअप लुक क्रिएट करूँ. सो नव्या, हियर इज़ योर रिक्वेस्ट. इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सपोर्ट मी. सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो गाइज, मैंने जो अपना बेस था वो ऑलरेडी पूरा सेट कर लिया था. अब मैं डायरेक्ट आई मेकअप से आपको बताऊंगी. सो गाइज, मेरे आई मेकअप के लिए मैं यहाँ पे SF कलर का मेरा आई शेडो पैलेट यूज़ करूँगी एंड जो ब्रश मैं यूज़ करूँगी वो है ये ब्लेंडिंग ब्रश. ये टूट गया था तो मैंने इसे यू नो सेलो टेप से रीयूज कर लिया एंड नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ दिस कलर एज माई बेस. आपको धीरे धीरे इसको ब्लेंड करना है बहुत स्लो सॉफ्टली, इसका बेस बनाना है. मेक श्योर कि जब भी आप प्रोडक्ट लें उसके बाद आप उसे डस्ट आउट करें. आप इसे अच्छे से ब्लेंड करिए and I'm going to do it in my other eye as well. So guys, now मैं मेरा ग्लैम 21 के आई पैलेट में से ये वाला जो शेड है मैं इसे यूज़ करूँगी एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस विद दिस ब्रश. आप देख सकते हो फ्लैट सर्फेस वाला ब्रश. ब्लेंडिंग के लिए मैं वही ब्रश यूज़ करूँगी बट अभी मैं लगाने के लिए ये वाला ब्रश यूज़ कर रही हूँ. आपको बहुत सॉफ्टली इसे प्लेस करना है. मेक श्योर कि ये जो आपने पहले जो ट्रांजिशन कलर लगाया था ये उसको ओवरलैप नहीं करे, देख सकते हो. एंड यही कलर मैं मेरी इस वाली आई में भी लगाऊंगी. आपको बहुत सॉफ्टली लगाना है कि आपके ट्रांजिशन कलर को ओवरलैप नहीं करे. लुक आपका वैसे ही अच्छा आएगा लेकिन अगर आप इसे ओवरलैप नहीं करते तो जो आपकी आईज है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी. अच्छे से उसे लगाइए एंड देन फिर हम इसे ब्लेंड करेंगे. ये मेरी दोनों आईज में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से लग चुका है एज यू गाइस कैन सी. अब मैं इसे ब्लेंड करूँगी एंड ब्लेंडिंग के लिए मैं अगेन यही वाला ब्रश यूज़ करूँगी. आपको दोनों कलर्स को अच्छे से ब्लेंड करना है. ये काफ़ी ज़्यादा इजी आई लुक है जो आप कहीं भी पार्टी वगैरह में कर सकते हो. काफ़ी ज़्यादा लाइट भी है. आप चाहो तो इसमें ब्लैक कलर यूज़ कर सकते हो अगर आपको पार्टी वगैरह में जाना है एंड अगर आपको यू नो एक फैमिली फंक्शन समथिंग के हिसाब से चाहिए तो यू कैन यूज़ दीज कलर्स टू. आपको अच्छे से इनकी ब्लेंडिंग करनी है. गाइस, नाउ आई एम गोइंग टू यू नो फिल अप माय आईब्रोज विद दिस पेंसिल एंड मैं मेरी आईब्रोज को काफ़ी ज़्यादा लाइट ही पसंद करती हूँ. मुझे ज़्यादा डार्क आईब्रोज पसंद नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो. जो आई लाइनर है एंड जो मस्कारा है वो मैंने ऑफलाइन ही लगा लिया था बिकॉज यू नो मेरे हाथ बहुत ज़्यादा शिवर करते हैं वो लगाने में, तो इसलिए मैंने उन्हें ऑफलाइन ही लगा लिया था. सो गाइज, नाउ विद दिस ब्रश आई एम गोइंग टू अप्लाई माई ब्लश एंड आप अपने अकॉर्डिंग ब्लश लगा सकते हो. मुझे पर्सनली ब्लश थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो मैं थोड़ा ज़्यादा लगाती हूँ. आप अपने अकॉर्डिंग इसे लगा सकते हो जितना भी आपको लगता है. बस आप ये मेक श्योर करना कि वो बहुत ज़्यादा ओवर ना लगे बिकॉज फिर वो अलग ही समझ में आ जाता है कि आपने बहुत ज़्यादा लगाया है. तो जस्ट एंड इन केस अगर ज़्यादा लग भी जाए तो आप उसे अच्छे से ब्लेंड करिए बिकॉज अगेन ब्लेंडिंग इज़ द की. एंड इस तरीके के ब्रश से आप उसे अच्छे से ब्लेंड करिए तो अगर वो ज़्यादा लग भी जाता है तो वो एडजस्ट हो जाएगा. सो गाइस, नाउ विद द हेल्प ऑफ माई स्विस ब्यूटी हाईलाइटर आई एम गोइंग टू हाईलाइट माई ब्रोज माई इनर कॉर्नर्स विद दिस ब्रश. आप देख सकते हो ये वाला ब्रश जो थोड़ा पॉइंटेड है, इससे मैं हाईलाइट करूँगी.
एंड हाइलाइटिंग के लिए जो मैं शेड यूज़ कर रही हूँ वो एकदम टॉप मोस्ट शेड है। सो गाइज फॉर हाईलाइटिंग माई फेस आई एम गोइंग टू यूज़ दिस शेड। ये शेड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है हाईलाइटिंग के लिए। सो मैं इसे लेके अपने चीक बोन्स पर हाईलाइट करूँगी। चिन पे गाइस इन द लास्ट स्टेप आई एम गोइंग टू अप्लाई द लिपस्टिक। वेलकम बैक। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।